होगा, बिल्कुल फ्री है हमारी तरफ से रूम की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, खाने पीने का चार्ज 70 रुपये का एक टिफिन आएगा, जो आपको अलग से वीकली पे करना पड़ेगा। रुकने की व्यवस्था का कोई चार्ज नहीं होगा। 15 अगस्त से हमारा दूसरा ट्रेनिंग रखा गया है, हमने देख सकते हो टीन सेट लगा हुआ है, यहाँ पर हम ट्रेनिंग करवाते हैं। अगर बारिश भी गिरता है तो यहाँ पर ट्रेनिंग हो सकता है। एक्सपीरियंस इनका रहा है वो आपको भी पता लगा होगा कि हमारे यहाँ से जो ट्रेनिंग में जो लोग सीख रहे हैं उनको एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की नई वीडियो। मेरा नाम है जगदीश भार के। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग चल रहा है, अभी 30 जुलाई तक ट्रेनिंग चलेगा, आज 14 जुलाई है, 14 दिन यहाँ पर ट्रेनिंग चलते हुए हो गया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं, पिछली वीडियो में कमेंट आया था कि कहाँ पर लोग रुके, रुकने की व्यवस्था कैसी है और खाने पीने की व्यवस्था कैसी है, वो सब कुछ इस वीडियो में पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ पर रुकने की व्यवस्था मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, बताता हूँ कितना रूम है। रुको जरा, तो गाइस अभी हम आ चुके हैं वहाँ पर जहाँ पर रूम की व्यवस्था की गई है हमारी तरफ से। 2 रूम यहाँ पे लिए गए, 4 रूम है, बाकी हम 2 रूम और ले सकते थे लेकिन इतना लोग है नहीं ट्रेनिंग के लिए, इतना रूम लेना पड़े। 2 रूम मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 15 अगस्त से हमारा दूसरा ट्रेनिंग रखा गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने कि सेकेंड ट्रेनिंग कब से रखा जा रहा है, इसके लिए कोई कमेंट कर रहे थे और फोन कॉल भी कर रहे थे बहुत लोग, तो उनको बता देता हूँ 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच 1 महीने का ट्रेनिंग रखा गया है, जिसका जो फीस रहेगा टोटल 10,000 रुपये रहेगा। 1,000 अगर आप पहले जमा करते हो जिससे कि कंफर्म हो जाएगा, एक फॉर्म रहेगा जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो फॉर्म आप भर दीजिएगा और मुझे फ़ोन कॉल कर लीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पे, और 9,000 रुपये बाकी आप जब यहाँ आते हो जब जमा करना है। 1 महीने का पूरा ट्रेनिंग रहेगा, ये पूरा जो ट्रेनिंग है ओनली मेल के लिए रखा गया, फीमेल के नहीं है दोस्तों। यहाँ का जो लोकेशन की बात करें कि कहाँ पर ये ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग हमारे यहाँ जबलपुर मध्य प्रदेश के पास में होगा दोस्तों। मेरे यहाँ तक पहुँचने का मैं स्टेशन आपको जो बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, गढ़रवारा पिपरिया जबलपुर स्टेशन इटारसी स्टेशन, यहाँ से आप मेरे यहाँ तक पहुँच सकते हो। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो या आप फ़ोन नंबर पर फ़ोन कॉल कर सकते हो। बाकी मैं आपको एक बार यहाँ तक और दिखा देता हूँ कि बताऊँगा कहाँ पर ट्रेनिंग चलता है, कैसा व्यवस्था है। नेक्स्ट जो ट्रेनिंग है वो आपको कमेंट आ रहा था उस वजह से मैंने बता दिया दोस्तों, 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच रखा गया है। कम से कम 10 से 15 लोग होंगे जब भी वो ट्रेनिंग होगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम जाता है। टोटल जो फीस है 10,000 रुपये है, खाने पीने की व्यवस्था अलग से है और जो रूम की व्यवस्था है वो हमारी तरफ से है। रूम एक बार आपको दिखाते हैं, चलिए यहाँ पे बहुत बढ़िया, जैसे मैं आपको इधर एक रूम दिखा देता हूँ, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, लॉक लगा के आप जब जाते हो, क्योंकि अभी कोई नहीं है, सब लोग ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं, कब 3 बज रहा है तो सभी ट्रेनिंग वहाँ पे चल रहा है। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे आया हूँ, देखिए गद्दे यहाँ पे लगे हुए हैं, फैन ऊपर लगा है, ये सभी चीज़ की व्यवस्था है। इतना बड़ा यहाँ पे एक रूम ये बना हुआ है, फैन ऊपर लगा है, ये रूम में आप देख सकते हो अच्छा व्यवस्था है। बाकी बैग वैग उनका रखा हुआ है जो लोग अभी यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। मैं आपको साइड में एक और रूम है वो भी दिखा देता हूँ दोस्तों, जैसे एक रूम यहाँ पे है, अगर ज़्यादा लोग रहते तो ज़्यादा रूम रह सकते हैं। बाकी अभी यहाँ पर ये गद्दे इतने लगे हुए हैं, बैग अगर रखे हुए हैं, ये एक रूम ये वाला है, यहाँ पे भी आप रुक सकते हो, अलग से भी रख सकते हैं, ज़्यादा लोग होंगे तो अपन दूसरी जगह देखेंगे वहाँ पे रख सकते हैं। ये सभी की व्यवस्थाएं बिल्कुल अच्छी से अच्छी है और इसका चार्ज आपको नहीं देना होगा, बिल्कुल फ्री है हमारी तरफ से रूम की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था। खाने पीने का चार्ज 70 रुपये का एक टिफिन आएगा, जो आपको अलग से वीकली पे करना पड़ेगा। रुकने की व्यवस्था का कोई चार्ज नहीं होगा, आप यहाँ आते तो आप यहाँ पे आराम से रुक सकते हो दोस्तों। यहाँ पे फैन है, सब बराबर है, गद्दे भी हैं जिससे आप यहाँ पर रुक सकते हो। तो गाइस चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर ट्रेनिंग चलता है, कहाँ पे लोकेशन है, कितना दूर है यहाँ से, वहाँ पे चलते हैं, आपको बताते हैं किस तरीके से अभी काम चल रहा है और ट्रेनिंग कहाँ पे चलेगा, किस तरीके वहाँ पे व्यवस्था रहेगी। चलिए तो वहाँ चलते हैं, समझ रहे हो आप। तो गाइस अभी हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पर ट्रेनिंग चल रहा है, अभी गैलरी बना के तैयार किया जा रहा है। अब मेरे पीछे देख सकते हो गैलरी का स्ट्रक्चर सेट किया गया है, 15x15 की गैलरी बनवाई जा रही है। करीब हमारे यहाँ बनती है करीब 250 फीट की गैलरी है, लेकिन हम इनको समझाने के लिए बनाया जा रहा है जो करीब 45 फीट का गैलरी बना के तैयार किया जा रहा है। उसमें हम अलग अलग तरीके के कपड़े डालना या पर्दे सीलिंग से पैक करना या स्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ रहता है बीम का, फिर पे अपने कपड़ा लगाना, वो सब कुछ हम इनको आज की डेट में समझाने वाले हैं। जो गैलरी डेकोरेट की जाएगी उसमें सब कुछ डिटेल के साथ बताएंगे इनको। पीछे मेरे आप देख सकते हो उस तरीके से काम पीछे चल भी रहा है। बाकी मैं आपको और 3 सेट में दिखाता हूँ जहाँ पर ट्रेनिंग अगर बाई चांस बारिश होता है तो वहाँ पे हो सकता है, स्टेज भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए तो आगे चलते हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस अभी हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पर ट्रेनिंग चलता है, सामने देख सकते हो 3 सेट लगा हुआ है, यहाँ पर हम ट्रेनिंग करवाते हैं। अगर बारिश भी गिरता है तो यहाँ पर ट्रेनिंग हो सकता है, बाकी हॉल के अंदर भी हो जाता है तो अंदर कर सकते हैं। बाकी बारिश का वीडियो फुटेज आप देख सकते हो वहाँ पर भी, अगर स्टेज बनना है बड़ा 45 से 50 फीट का तो वहाँ पर बनवाया जाता है ट्रेनिंग में दोस्तों। इस 3 सेट में आप पीछे देख सकते हो, अब ये कपड़ा खुल रहा है, ये कपड़ा खुल जाएगा, इसी का हम यहाँ पर जो मेरे स्क्रीन पर आप देख सकते हो ये फोटो, इसको हम गजीबो बोलता है कोई, अपने यहाँ पर कोई भी नाम से जान सकते हो, वह हम यहाँ पे बनवा के तैयार करवाएंगे।
अभी गैलरी बन के तैयार हुआ है, उन लोग से पूछेंगे किस तरीके का यहाँ का अभी एक्सपीरियंस रहा है उनका, और ट्रेनिंग में उनको सब कुछ समझ आ रहा है कि नहीं दोस्तों। और जो नेक्स्ट ट्रेनिंग रखा जा रहा है 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में रखा जा रहा है 2022 में, ओनली मेल के लिए है। उसका जो फीस है मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों, और रहने की व्यवस्था भी मैंने आपको पहले बता दिया, एक बार और बता देता हूँ। इसका जो फीस है टोटल 10,000 रुपये है, 9,000 रुपये आपको यहाँ पे आके पे करना है, और पहले अगर आप आना चाहते हो तो 1,000 रुपये आपको मेरे फ़ोन पे नंबर पे सेंड कर दीजिए, उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपको सामने डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, या आप मुझसे फ़ोन कॉल मैसेज कर सकते हो, सभी जानकारी ले सकते हो। लोकेशन किस तरीके से यहाँ पे पहुँचोगे वो भी हमने आपको बता दिया, और रहने की व्यवस्था भी। और जो लोग यहाँ पे अभी हैं उनका भी अभी रिव्यू लेते हैं कि उनको किस तरीके का अभी ट्रेनिंग में लगा है, और वो कहाँ कहाँ से आए हैं दोस्तों, वो सभी आपको आगे बताएंगे। तो रुको जरा। सो गाइस, अभी हमने जो पहले वीडियो में आगे बताया था जो आपको कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग चल रहा है, कैसे चल रहा है, पीछे आप मेरे देख सकते हो ये सब किया गया है। थोड़ा सा बारिश हो गया तो ये ऊपर का कपड़ा खुल गया है, बाकी ये सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं, इनसे जानते हैं कितना दिन में क्या सीखे और किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है इनका। मैंने पहले की वीडियो में बोला था कि सबका रिव्यू लेंगे अपन 14 से 15 दिन हो जाएगा, तो इस बार फिर से पूछ लेते हैं किस तरीके इनका अपना एक्सपीरियंस रहा है। सबसे पहले यहाँ से पूछते राहुल भाई से किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा अपना। एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, हमने काफ़ी तरह के स्टेज बनाने सीखे इतने दिनों में, और मंडप गैलरी जैसा कि, और ये जो भी चुन्नियों का और पट्टों का काम होता है, इसे कैसे यूज़ करना है इन कपड़ों को, इसे हमने बहुत अच्छे तरीके से सीखा। लगभग जीरो था आपका तो कुछ? हाँ हाँ जी, मुझे तो मैंने ये काम में पहली बार पता ही नहीं था, नहीं पता था मुझे, और हमने बहुत बेसिक लेवल से और बहुत ही अच्छा मतलब क्लास होता है। बाकी अगर जो लोग कैसे नेक्स्ट ट्रेनिंग में आना चाहते हैं उनको अपनी अपनी नेचुरल भाषा में, कोई समझे कि या यहीं से आए हो, अपनी नेचुरल भाषा में, यूपी की भाषा में बोल के बताओ। जी जी, यूपी के भाषा में तो जैसे कि मैं पूर्वांचल से हूँ, वाराणसी से, तो हम तो ये कह भैया कि बहुत बढ़िया हला, आप जे बनारस से देखा था हम, वो बनारस से हिला, तो बहुत बढ़िया यहाँ पे क्लास होला, और बहुत बढ़िया गुरु जी सिखावे ना, और महादेव भैया। संदीप भाई से पूछते हैं, ये अपने दुर्ग से आए हैं रायपुर छत्तीसगढ़, आपका कैसा एक्सपीरियंस? आपको तो वैसे पहले से बहुत कुछ पता था, तो बहुत ऐसा काम किया, लेकिन और भी कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा आपका इस तरीके का? ये फ्लावर में चैन वगैरह बनाना सीखा मैं अभी आने के बाद, और यही गैलरी वगैरह बनाने। और जैसे कोई बोलता है फ्रॉड हो है, ये सब चीजें, उसके लिए क्या बोलोगे? नहीं, आपका तो वीडियो सब देख रहा है, इसमें फ्रॉड वाले बात ही नहीं है, हम तो बाहर से ऐसे फोन के माध्यम से यहाँ तक आ गए। यही चीज बोलते हैं कि पैसे में फ्रॉड करेंगे, हमारे साथ गलत व्यवहार करेंगे, अपने अपने साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ। और खाने पीने का लोग बोलते हैं कि खाने पीने का इशू नहीं, खाने का तो बाहर से आते हैं डेली का, रहने की व्यवस्था भी हमने पहले, रहने की व्यवस्था भवन में रहते हैं जब चाहे तक। अपनी नेचुरल भाषा जो अपने यहाँ का दुर्ग का, उसमें क्या बोलना चाहूंगा जो अगर आना चाहते हैं उनको लेकर, अपनी नेचुरल भाषा में बोलिए, छत्तीसगढ़ी भाषा में। हाँ, जो भी आना चाहते आ सकते हैं, करके यहाँ तो अच्छा सिखाई विखाई अच्छा होते हैं। आप अपने उड़ीसा से आए हुए हैं सोनी भाई, उनसे पूछ लेते हैं कि किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है अपने यहाँ, तो अलग अलग तरीके काम होते हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ से अलग तरीके का आपने सीखा, 15 दिन में आपने कितना क्या सीखा बताइए? बहुत कुछ सीखा, सेल्फी पॉइंट, गैलरी, स्टेज। हाँ। और हमारा उड़ीसा में तो गांव के में पाइप के काम चल रहा था। हाँ। अभी नया वाला गैलरी हुआ, स्टेज हुआ, जो ट्रस्ट के काम चला मैंने कभी भी नहीं किया था, पहली बार उधर क्या एक्सपीरियंस हो गया, उसको पता चला कपड़ा कैसे बनना है। हाँ। कैसे चुन्नी का डिजाइन करना है सब पता चल गया। आपने स्वयं प्रैक्टिकली किया? हाँ, स्वयं प्रैक्टिकली किया। और जैसे एक उड़ीसा से हमारे भाई आ रहे थे, वो बोल रहे थे कि वहाँ कितने दूर में कैसे आऊँगा, बहुत लोग बोलते हैं कि दूर से कैसे आएंगे सीखने के लिए, तो दूर क्या, लोग तो मंगल ग्रह जाते हैं और दूर क्या। अब कोई सीखना है तो भाई अपने को इतना तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बाकी तो रहने का खाने पीने का सब बढ़िया, सब बढ़िया नहीं हो रहा है ना? बाकी रूम के व्यवस्था में पहले बताएं, और जो लोग अपने यहाँ उड़ीसा से आने वाले हों या अपनी नेचुरल भाषा, उनके लिए क्या बोलोगे किस तरीके का हमारे यहाँ? हम तो समझ में तो आप हमारे तो आएगा नहीं, बाकी अपने यहाँ के लोग है वो समझ जाएंगे आपके। मुई जिते भी ओडिशावासी के मुई निवेदन करुचे, भल हो जितके भी कहूचन ट्रस्ट हो, पाइप हो, जिते भी तुम चुन्नी पटा हो, तुम तेज तुम बेदी फेदी आरंभ कर जेनटा भी जो सीखवार अच्छे बोला सब भल लगुचे, अंकर एक्सपीरियंस भी भल, ट्रेनर करवा लोग भी भल आसुचन, आम भल ट्रेन करुचन, आर आसब भल लगवा, आर विश्वास नहीं आस मनीष विश्वास करवाटा ही बड़ जिनसे, विश्वास ना कर भी बंची ना हुए, सब लोग आसब भल ट्रेन करुचन, मत तो भल लगला, तुम आस तुमको भी भल लगवा। अरे कहना क्या चाहते हो? बाकी हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन भैया ने जो भी बोला, जो लोग उड़ीसा से देख रहे हैं वो अच्छी तरह से समझ जाएंगे, और इनका जो भाषा वो अगर कोई जानता है तो वो आसानी से समझ जाएगा। बाकी अभी आशीष भाई से पूछते हैं, ये अपना झारखंड बिहार दोनों का एरिया से बिल्कुल बॉर्डर पे ही है, बाकी इनसे पूछते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा आपने? 15 दिन में तो बहुत कुछ सीखने को मिला,
तो मेरे को स्टेज सब का कुछ नॉलेज नहीं था, यहाँ आके जो भी स्टेज सब का सीखने को मिला, सेल्फी पॉइंट, चुनरी, चुनरी लगाना कैसे लगाते और फिर चैन बनाना, और अपने यहाँ से आते टाइम मैंने पूरा मदद किया था आपको, किस तरीके से कॉल करके सब कुछ सब जगह को मदद किए कि कैसे कैसे आना है कैसे नहीं आना। अपनी नेचुरल भाषा में जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए क्या बोलो? जब तक कि नोड़े अजी तो उनपे अड़ी मच ट्रेनिंग हुई करना बोले तहन ना कोई दिक्कत होना। चलिए ठीक है भाई। अभी गोपाल भाई अपने उज्जैन से हैं, मध्य प्रदेश, मेरे यहाँ के पास में ही पड़ता है, बाकी इनसे पूछते हैं अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा अपना। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, स्टेज वगैरह, सेल्फी पॉइंट, चुनने की डिजाइन बहुत बढ़िया और फ्लावर का डेकोरेशन बहुत बढ़िया सीखने को मिला। जब अपने यहाँ से आए थे तो अपने सीढ़ी पे चढ़ने में प्रॉब्लम होता था, बहुत प्रॉब्लम होता है, आप तो डर भी नहीं रखता, आप जितना ऊंचा चढ़ा। अभी 15 फीट की हाइट पे 3 बार चढ़े हो आप? चढ़ सकते हो ना, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल। अपनी नेचुरल भाषा में अपने जो भी आना चाहता उनको क्या बोलोगे? मैं तो यूज बोलूँ की आप सभी विश्वास कर ही ना आओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सिर्फ फोन लगाओगा सब आई जाए, गाड़ी वाड़ी, गाड़ी की व्यवस्था है, रूम की व्यवस्था, खाना पीना सब मिल जाएगा यहाँ तुम्हारे, सब बराबर रहेगा, रूम किराया देना नहीं, फ्री है रूम, बिल्कुल बढ़िया सिखाएगा तुम्हारे। तो दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी है कि जो कैमरे पे आ नहीं सकते हैं, कुछ लोग बोल भी नहीं सकते, ये प्रॉब्लम भी होती है कैमरे पे, ऐसा नॉच अपने जैसे वीडियो नहीं बन रहा है तो बहुत बोलेंगे, लेकिन कैमरे पे आने में थोड़ा प्रॉब्लम भी हो जाता है, इस तरीके की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमने इन लोगों से जो एक्सपीरियंस इनका रहा है वो आपको भी पता लगा होगा कि हमारे यहाँ से जो ट्रेनिंग में जो लोग सीख रहे हैं उनको एक्सपीरियंस कैसा रहा है, बाकी सभी चीज़ की इनकी नेचुरल भाषा में बता दिया और सभी चीज़ मैंने आपको व्यवस्थाएँ किस तरीके की हैं सब कुछ इस वीडियो में बता दिया दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जैसे हमने आपको पहले ही जो लोग थे उनसे भी मिलवा दिया, रूम की व्यवस्था भी आपको पहले दिखा दिया, उसके बाद जहाँ ट्रेनिंग होगी वो भी आपको दिखा दिया। स्टेज मेरे पीछे है आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर स्टेज बनवाना है तो स्टेज एसी पे बन पाते हैं, टोटल 45 से 50 फीट का है, इस पे कितना बड़ा स्टेज बन सकता है आप फोटो स्क्रीन पे देख सकते हो। ये सब हम प्रैक्टिकली करवाते हैं, जो लोग यहाँ पे आते हैं उन्हीं से करवाते हैं, ऐसा नहीं कि आप दर्शक बन के यहाँ पे बैठ के देख सकते हो। और जैसे एक हमारे थे जो पहले यहाँ पे जुड़े थे 10 दिन करीब उन्होंने ट्रेनिंग किया, तो उस तरीके की प्रॉब्लम हुआ कि वो देखना चाहते थे, देख के ऐसे नहीं सीख सकते जब तक कि प्रैक्टिकली ना किया जाए, हम प्रैक्टिकली वर्क करवाते हैं, आप सामने स्वयं करोगे हम आपको बताएंगे दोस्तों इस तरीके का कराएगा। और जो नेक्स्ट ट्रेनिंग जो रखा है हमने रखा अगस्त से 15 सितंबर के बीच 2022, तो जो भी लोग इसमें ट्रेनिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं उसको मैं बता देना चाहता हूं, 15 अगस्त से पहले मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिए, उससे आप टोटली मेरे यहाँ तक कैसे पहुँचना है मैं आपको बता दूंगा। और पहले भी मैंने आपको बता दिया, रूम की व्यवस्था दिखाया, टीन सेट पे कहाँ पे ट्रेनिंग होगी वो भी दिखा दिया हूँ, सब चीज़ की व्यवस्था अच्छी है। और जो लोग अभी हमारे ट्रेनिंग में हिस्सा बने हुए हैं उनके थ्रू भी आपको डायरेक्ट बता दिया कि वो भी अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं किस तरीके का उनको समझ में आया हमारे यहाँ पे काम। टोटल हमको जो लोग ऐसा नॉर्मली छोटे छोटे से अपने शहर में करना चाहते हैं, गाँव में करना चाहते हैं, वो तो स्पेशली अच्छी तरीके से सीख के जाएंगे, और जो हाई लेवल पर करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारे से लेकर अपने यहाँ पे कोई करता है डेकोरेट तो वहाँ पे अच्छी तरीके से कर सकते हो। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आता है तो आप हमारे यहाँ से सीखने के बाद डायरेक्ट अपने यहाँ पे अच्छी तरीके से सभी काम कर सकते हो। हम ये भी बताएंगे आपको किस तरह कौन सा सामान लेना, कहाँ से क्या, सब कुछ आपको टोटल सब कुछ बताया जाए। दोस्तों मैंने पहले आपको ट्रेन का बता दिया कि कितने स्टेशन है, कहाँ से आप आओगे, मैंने 4 स्टेशन आपके बताए थे, गाडरवारा अपना जबलपुर का स्टेशन रहेगा, इटारसी का रहेगा और पिपरिया रहेगा, ये मेरा जो लोकेशन है मध्य प्रदेश का है। अगर सीखना चाहते तो आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा सीखने के लिए, आप चाहो कि वीडियो के थ्रू अगर सीख जाओ तो इतना वीडियो के थ्रू नहीं सीख सकते क्योंकि मेरे चैनल पर टोटल सब चीज़ का वीडियो, अगर इतना सीख सकते तो आप वीडियो से सीख सकते थे, बाकी ऑनलाइन भी कोर्स लेके आएंगे उससे जैसे कि हमारा जितना भी जो हम सिखा रहे हैं प्रैक्टिकली आप देख सकते हो, बाकी आप प्रैक्टिकली अगर करना ही चाहते हो तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। उसका जो टोटल जो फीस मैंने आपको बता दिया हूँ 10,000 रुपये है, उसमें 1,000 रुपये पहले आपको जमा करना पड़ेगा इस टाइम यहाँ आने से पहले, और 10 से 15 लोग होते हैं तो ये ट्रेनिंग 15 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी, उससे पहले आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा क्योंकि जो हमने अभी जो ट्रेनिंग चल रहा है इसमें पिछली बार क्या हुआ कि अभी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया 10 दिन निकल गया उसके बाद कॉन्टैक्ट कर रहे हैं लोग कि हम आना चाहते हैं ट्रेनिंग करना चाहते हैं, उसमें प्रॉब्लम होता है। 15 अगस्त से पहले ट्रेनिंग के लिए आप आना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर लें। आशा करते हैं सबको समझ में आ गया दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।